हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। और आज मैं लेके आ गया हूँ वापस से एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक सेल्स प्रिंटिंग। ज्यादा कुछ बोर्ड पे दिख रहा है बिल्कुल भी नहीं, कुछ एक डायग्राम है और एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज अ सेल, क्योंकि हम लोगों को शुरुआत ही यहाँ से करनी है और समझना है कि सेल्स प्रिंटिंग आखिर क्या होता है। क्योंकि सेल्स प्रिंटिंग में सेल तो आता है ना, पहले सेल समझ लेते हैं सेल क्या है। सी अभी आपका जो भी पूरा चैनल है, जब मैं उसको स्पेसेस में यू नो डिवाइड अप कर देता हूँ, तो उस स्पेस का जो सबसे छोटा यूनिट जो होता है, सबसे छोटा कवरेज एरिया जो होता है, सबसे छोटा यूनिट जो होता है, वो होता है सेल। मतलब कि ये जो एक दिख रहा है ये कुछ नहीं, ये सेल है। और ये जो है ये क्लस्टर है, तो क्लस्टर के अंदर हर एक जो है वो है सेल। तो क्लस्टर का बेसिक यूनिट क्या हुआ, क्लस्टर का बेसिक यूनिट हुआ सेल। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सेल की और सेल स्प्लिटिंग इन कनेक्शन विद मोबाइल कम्युनिकेशन। तो अभी सेल स्प्लिटिंग होता क्या है, सेल समझ में आ गया, अभी सेल स्प्लिटिंग होता क्या है, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं उसके थ्रू आपको समझाता हूं। ओके, ये है सेल। अभी इस सेल के अंदर एक बेस स्टेशन होता है, हर सेल के अंदर एक उसका लोकल बेस स्टेशन होता है जो कि एक सेल की बाउंड्रीज तक अपना कवरेज फैलाता है, ठीक है। सो यहां पे एक बेस स्टेशन भी है। अभी इस सेल के अंदर जो उसका ज्योग्राफिकल एरिया है, उसके अंदर 100 लोग रहते थे इनिशियली, समझिए 100 लोग रहते थे इतने एरिया में, इनिशियल स्टेज पे एक बेस स्टेशन था, ठीक है। तो तब तक ये बेस स्टेशन जो है ये उन 100 लोगों को अच्छी तरीके से सिग्नल्स प्रोवाइड करने में एफिशिएंट था, अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर रहा था उन 100 लोगों को ये सिग्नल, ओके। लेकिन हुआ क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, तो इंडिया है, बराबर ग्रोथ होती है, और कुछ ही सालों में ये 100 की पॉपुलेशन 700 तक पहुंच गई। अभी सोचिए 700 तक पॉपुलेशन पहुंच जाना, मतलब कितना ह्यूज। और पहली बात तो अब क्या प्रेशर आ गया इस एक बेस स्टेशन के ऊपर कि अभी उस एक बेस स्टेशन को इन 700 लोगों को सिग्नल देना है, कवरेज देना है 700 लोगों को। कैन यू इमेजिन, जो पहले 100 लोगों को देता था अभी उसको 700 लोगों को देना है, तो ये तो भैया टास्क इम्पॉसिबल है। तो अभी यहां पे क्या हो गया, यहां पे ओवरलोड हो गया, या फिर हम लोग कहते हैं यहां पे बेस स्टेशन पे बहुत ज्यादा लोड पड़ चुका है, ओके। तो हम लोगों को अभी सेल स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब इस एक सेल को स्प्लिट करना पड़ेगा इनटू इक्वल डिविजन्स। कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ये एक जो सेल है इसको हमने ऐसा स्प्लिट किया, इसको हमने क्या किया, इस तरीके से स्प्लिट किया। एक और बना देता हूं यहां पे मैं, ओके। सो इस सेल को मैंने यहां पे इस तरीके से स्प्लिट किया। अभी यहां पॉपुलेशन कितनी है, 700। अभी फाइनल स्टेज में यहां पे पॉपुलेशन है 700। तो अभी जब मैं इसको 7 न्यू सेल्स में डिवाइड कर दूंगा, सारे के सारे न्यू सेल्स को उसके इंडिविजुअल बेस स्टेशन दूंगा, तो हर एक बेस स्टेशन उनके 100, मतलब पहले थे 700, अभी मैंने इस एक सेल को स्प्लिट किया इनटू 7 पार्ट्स, तो फिर बचे कितने, 100, बराबर। तो मतलब हर एक सेल में अभी 100-100 की पॉपुलेशन चली गई, और ये तो हमें पहले से पता था कि जो बेस स्टेशन है वो 100 लोगों को ट्रांसमिट कर सकता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो जो ये ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम होती है जहां पे बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है लेकिन जो बेस स्टेशन है वो इनइफिशिएंट हो जाता है उतनी डिमांड को पूरा करने के लिए, तो हमें उस सेल को स्प्लिट करना पड़ता है, जैसे कि हमने यहां पे किया। तो पॉपुलेशन इतनी हो गई थी तो हमने उसको 7 सेल में डिवाइड कर दिया, ताकि हम लोग हर एक सेल के अंदर 100-100 लोगों को एक बेस स्टेशन उसकी कवरेज या फिर जो सिग्नल्स है वो प्रोवाइड कर सके, जो परफॉर्मेंस है वो वैसा बना रहे। लेकिन याद रखिए सेल स्प्लिटिंग की वजह से ना कुछ चीजें डिसएडवांटेज में जाती, क्या, ये जो आपकी एंटीना की हाइट है वो डिक्रीज हो जाती है, आपकी जो हर एक सेल के अंदर जो एंटीना की हाइट है वो डिक्रीज हो जाती है। जो आपकी ट्रांसमिटिंग पावर थी, जो इनिशियली आपकी ट्रांसमिटिंग पावर थी, वो भी यहाँ पे हर एक सेल में कुछ हद तक रिड्यूस हो जाती है। बाकी और कोई डिसएडवांटेज नहीं, एंटीना हाइट गेट्स रिड्यूस्ड एंड जो आपका ट्रांसमिटिंग पावर है इट ऑल्सो गेट to some extent reduce। तो आपको पता चल गया सेल क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर के अंदर सेल, सेल को जब ओवरलोड किया जाए, एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन याद रखिए, पहले 100 थे फिर 700 हो गए, अनेबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, सेल गॉट स्प्लिट इनटू 7 पार्ट्स एंड देन देयरफॉर इट इज नाउ एबल टू सर्व फॉर 100 पीपल इन अ गिवन सेल बाय यूजिंग द बेस स्टेशन। तो बहुत ही सिंपल फंडा था दोस्तों, इतना भी अगर आपको समझ में आ गया कि सेल स्प्लिटिंग क्या होता है, इट्स मोर देन इनफ। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो वो तीन मैजिकल चीजें बिल्कुल करना ना भूले। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए जरूर, और मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूंगा, बहुत ही इजीएस्ट से इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में आप तक पहुंचाते रहूंगा। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।